गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन टू आईपीओ अ कंप्यूटर इज अ स्मार्ट मशीन कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है इट फॉलोज द कमांड्स गिवेन बाय अ यूजर ये यूजर के दिए हुए कमांड्स को फॉलो करती है अ कंप्यूटर हैज़ फोर मेन पार्ट्स कंप्यूटर के फोर मेन पार्ट्स होते हैं मॉनिटर सीपीयू की बोर्ड एंड माउस मॉनिटर सीपीयू की बोर्ड और माउस ईच पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर परफॉर्म्स डिफरेंट फ़ंक्शंस। कंप्यूटर के हर पार्ट अलग काम करते हैं वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर के काम अ कंप्यूटर वर्क्स इन थ्री स्टेप्स कंप्यूटर थ्री स्टेप्स में काम करता है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट दिस इज नोन एज आई पी ओ साइकिल इसे आई पी ओ साइकिल के नाम से जाना जाता है स्टेप वन इनपुट दर्ड्स नंबर एंटर्ड इन अम्प्यूटर आर कॉल डेटा वर्ड्स नंबर्स और सिम्बल्स जो हम कंप्यूटर को देते हैं उसे डेटा कहते हैं द ऑर्डर्स गिवन टू अंप्यूटर आर नोन एज इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए गए ऑर्डर्स इंस्ट्रक्शंस कहलाते हैं इनपुट इज द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर कंप्यूटर को दिया गया डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट है यू कैन एंटर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू अ कंप्यूटर थ्रू इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड माउस एंड माइक्रोफोन हम कीबोर्ड माउस और माइक्रोफोन इनपुट डिवाइसेस के थ्रू कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शंस एंटर कर सकते हैं स्टेप टू प्रोसेसिंग इट इज द एक्शन ऑफ कन्वर्टिंग द इनपुट इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट या इनपुट को मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन या रिजल्ट में बदलने की क्रिया है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इनपुट इंटू आउटपुट इज डन बाय अ प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट को आउटपुट में बदलने का प्रोसेस प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा किया जाता है अ सी पी यू इज अ कंप्यूटर्स ओनली प्रोसेसिंग डिवाइस कंप्यूटर की सिर्फ एक प्रोसेसिंग डिवाइस सी पी यू है स्टेप थ्री आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग द कंप्यूटर गिव्स द रिजल्ट प्रोसेस होने के बाद कंप्यूटर रिजल्ट देता है दिस रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट ये रिजल्ट आउटपुट कहलाता है द आउटपुट इज़ गिवेन ऑन मोनीटर स्पीकर एंड प्रिंटर आउटपुट मोनीटर स्पीकर और प्रिंटर पर दिया जाता है देर आर मैनी एक्टिविटीज़ इन आवर डे टू डे लाइफ विच ऑल्सो फॉलो द आई पी ओ साइकिल हमारी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आई पी ओ साइकिल को फॉलो करती हैं लेटस हैव अ लुक एट सम एग्ज़ाम्पल्स आइए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स पर नज़र डालते हैं आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज टू वॉश क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए डर्टी क्लॉथ्स हमारा इनपुट है डर्टी क्लॉथ्स को हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे वॉशिंग मशीन में प्रोसेस होगा सो आवर प्रोसेसिंग डिवाइज वॉशिंग मशीन प्रोसेस होने के बाद हमें क्लीन क्लॉथ्स आउटपुट के रूप में मिल जाएगा अवर सेकेंड एग्जाम्पल इज टू मेक ग्लास ऑफ फ्रेश जूस फ्रेश जूस का ग्लास बनाने के लिए फ्रूट्स हमारा इनपुट है फ्रूट्स को हम मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे मिक्सर ग्राइंडर में प्रोसेस होगा सो अवर प्रोसेसिंग डिवाइसेस मिक्सर ग्राइंडर प्रोसेस होने के बाद हमें फ्रेश जूस आउटपुट के रूप में मिल जाएगा सो इन द आईपीओ साइकिल आईपीओ साइकिल में एवरी डेटा और इंस्ट्रक्शन इज़ इनपुट सभी डेटा या इंस्ट्रक्शन जो कंप्यूटर को दिया जाता है वो इनपुट होता है एवरी एक्शन इज अ प्रोसेस इनपुट पर किया गया हर काम प्रोसेस होता है द रिजल्ट ऑफ एवरी एक्शन इज आउटपुट हर प्रोसेस का रिजल्ट आउटपुट होता है एडवांटेजेस ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर के फायदे कंप्यूटर को यूज करने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं फर्स्ट इज स्पीड रफ्तार अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म एनी कैलकुलेशन एट अ वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर किसी भी कैलकुलेशन को बहुत तेज स्पीड से कर सकता है सेकंड एक्यूरेसी, शुद्धता परफेक्ट अ कंप्यूटर नेवर मेक्स मिस्टेक्स कंप्यूटर कभी भी गलती नहीं करता है इट ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट्स यह हमेशा सही रिजल्ट देता है मिस्टेक्स आर जनरली डन बाय द यूजर गलतियाँ आमतौर पर यूजर के द्वारा की जाती हैं थर्ड वर्सटैलिटी चंचलता कंप्यूटर्स कैन एफिशियंटली परफॉर्म अ वाइटी ऑफ टास्क कंप्यूटर कई तरह के कुशल कार्य कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे इट कैन प्ले म्यूजिक कैलकुलेट शेयर इंफॉर्मेशन एंड मच मोर या म्यूजिक प्ले कर सकता है कैलकुलेशन कर सकता है इंफॉर्मेशन शेयर करता है और भी बहुत सारे काम कर सकता है फोर्थ स्टोरेज कैपेसिटी स्टोर करने की कैपेसिटी अ कंप्यूटर हैज अवज स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर के पास बहुत ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी होती है इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा ये लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर कर सकता है दिस डेटा कैन बी यूज एनी टाइम यू वांट और इस स्टोर किए हुए डेटा को हम कभी भी यूज कर सकते हैं फिफ्थ डिलीजेंस काम करने की लगन अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड कंप्यूटर थकता नहीं है इट कैन वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विथ आउट नीडिंग एनी ब्रेक या बिना ब्रेक लिए लगातार लंबे समय तक काम कर सकता है सिक्स मल्टीटास्किंग एक साथ बहुत सारे काम करने वाला अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम कंप्यूटर बहुत सारे काम एक साथ एक समय में कर सकता है फॉर एग्जाम्पल जैसे इट कैन प्ले म्यूजिक वाइल यू आर टाइपिंग जब हम टाइपिंग कर रहे होते हैं तो ये म्यूजिक भी प्ले कर सकता है लिमिटेशन ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर की सीमाएं लिमिट्स फर्स्ट नो फीलिंग्स अब कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती हैं इट इज़ नॉन लिविंग थिंग या एक नॉन लिविंग थिंग है सेकेंड डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस इंसानों पर निर्भर होना कंप्यूटर इज़ अ मैन मेड मशीन कंप्यूटर इंसानों के द्वारा बनाई गई मशीन है इट कैन नॉट डू एनी थिंग ऑन इट्स ओन जो अपने आप कोई काम नहीं कर सकती है इसमें काम करने के लिए इंसानों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है थर्ड जीरो आईक्यू खुद का दिमाग ना होना आई क्यू स्टैंड फॉर इंटेलिजेंस क्वेश्चन आईक्यू को इंटेलिजेंस क्वेश्चन कहा जाता है अ कंप्यूटर हैज़ नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन कंप्यूटर के पास अपनी कोई इंटेलिजेंस नहीं होती इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं होता है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इफ़ यू एंटर इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन द कंप्यूटर अगर हम कंप्यूटर को कोई गलत इंफॉर्मेशन देंगे इट कैन करेक्ट इट तो वो उसे सही नहीं कर सकता है एंड विल शो यू द इनकरेक्ट रिजल्ट और हमें गलत रिज़ल्ट शो कर देगा इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी दिस इज कॉल्ड गार्बेज इन गार्बेज आउट गीगो कंप्यूटर के टर्म में इसे गार्बेज मीन्स कचरा कहा जाएगा अगर हम कंप्यूटर को गलत इंफॉर्मेशन देंगे मीन्स कचरा देंगे तो वो हमें रिजल्ट में गार्बेज मतलब कचरा ही वापस देगा